आरक्षण का मामला काफी ज्यादा तुल पकड़ा हुआ है। जी हाँ, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का विरोध जो है वो लगातार जारी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दलितों के बीच ही विवाद बढ़ गया है। दलित संगठनों के एक समूह ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन दलित जातियों के दूसरे वर्ग ने भारत बंद का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्काल लागू करने की मांग की है। दानापुर के डीआरएम कार्यालय के पास दानापुर खबर मुख्य मार्ग के पास भारत बंद समर्थकों ने सड़क जाम किया है। टायर जलाकर आगजनी हाईवे पर यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया है कि इसको लेकर पूरे पटना में भी इसका बवाल देखने को मिल रहा है। दानापुर के कार्यालय के पास भी यातायात व्यवस्था को ठप कर दी गई है, जिसको लेकर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी दलितों के आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तत्काल लागू किया जाना चाहिए। पटना में दलित वर्ग में शामिल 18 जातियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी हुई है और बैठक के बाद 21 अगस्त यानी आज भारत बंद का विरोध का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के ऐलान से भी एनडीए के भीतर टकराव बढ़ गया है। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने भी कहा था कि वो दलितों के आरक्षण के भीतर कोटे का विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से अपनी बात कहेंगे। वहीं केंद्र सरकार में ही मंत्री जीतन राम मांझी ने भी आज दलितों के आरक्षण के भीतर कोटन की मांग को समर्थन 18 जातियों की बैठक की है और सड़क पर उतरने की चेतावनी दे दी है। दलितों की 18 जातियों के संघ ने कहा है कि इस मुद्दे पर आज यानी 21 अगस्त को भारत बंद नेतृत्व विहीन और अनुसूचित मानते हैं। ऐसे में सभी 18 जातियों को लोग इस भारत बंद में शामिल होने की संकल्प ले रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि 18 जाति के लोगों को आरक्षण का आज तक कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए उन्होंने मांग किया है बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कि आरक्षण में उपवर्गीकरण होनी चाहिए। बिहार में ऐसी 18 जातियाँ हैं जिनकी आबादी 10% या फिर उनसे कम है, आरक्षण मिलना चाहिए। और कुछ संपन्न दलितों के द्वार आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो वंचित दलितों के विकास के रास्ते को रोकना चाहते हैं। मांझी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि राज्य सरकार बिहार में भी हरियाणा की तरह आरक्षण में वर्गीकरण कर वंचित दलित को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। इसको लेकर आरक्षण को लेकर आज सभी अनुसूचित जाति और जनजाति कहा जाए तो 18 जाति आज सड़क पर है और भारत बंद का ऐलान कर दिया है। दानापुर से रजत कुमार की रिपोर्ट।